दोस्तों आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं Xiaomi का Mi True Wireless Earphones 2। देख पा रहे हो आप यहाँ पे बॉक्स इसका, और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसे 3 से 4 दिन से। क्या मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेकर, वो मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप प्लान कर रहे हो इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो क्या आपके लिए वैल्यूएबल होगा कि नहीं होगा, वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दोस्तों आप कुछ भी ऑनलाइन मंगाओ, उसको छूने से पहले और छूने के बाद आपको अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, या फिर साबुन वगैरह से 20 सेकंड तक धुलना है। तो आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जान है तो जहान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है यहाँ पे मेरे सामने जो है ये Xiaomi का बॉक्स है, इसको भी मैं अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दे रहा हूँ ताकि कोई बैक्टीरिया हो तो मर जाए। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि Xiaomi का Mi True Wireless Earphones 2, जिसमें आपको 14.2 mm का पावरफुल डायनेमिक ड्राइवर मिल रहा है जो आपके साउंड क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। बाकी के इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन दे रहा है, और वॉइस असिस्टेंट और वन स्टेप पेयरिंग का फीचर्स में देखने को मिल रहा है इस बॉक्स में, ऐसा मेंशन है। अगर मैं इसके लेफ्ट और राइट साइड की बात करें, तो यहाँ पे Mi True Wireless Earphones 2 लिखा हुआ है। बाकी अगर हम बैक साइड की बात करें, तो बैक साइड में आपको सारे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है वायरलेस ईयरफोन्स, और वन यूनिट आपका जो है इसमें वायरलेस ईयरफोन मिल रहा है, प्लस चार्जिंग केस मिल रहा है, और इसमें जो आपकी जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो ब्लूटूथ 5.0 के साथ मिलता है। चार्जिंग केस की जो बैटरी है वो 250 mAh की है, और ईयरफोन की जो बैटरी है वो 30 mAh की है। और यहाँ पे आपको एम्पिडेंस मिल रहा है वो 32 ओम का है, जो अच्छे साउंड के लिए ठीक ठाक है, बेहतर है, क्योंकि एम्पिडेंस जितना होगा उतनी अच्छी क्वालिटी हमें साउंड की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसे फुल चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज में मतलब आपको 1 घंटे लगेंगे फुल चार्ज करने में, फिर आप इसे यूज़ कर पाओगे 14 आवर तक, ठीक है। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। तो फिर यहाँ से कुछ अलग स्टाइल में ओपन हो रहा है, खैर इसको हटाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट सा छोटा सा एक डब्बा सा दिख रहा है, इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें चीज़ें मिलने वाली हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड सा है। यहाँ पे आपको मिलता है यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, और एक मिलता है USB टाइप सी केबल। तो इसको है हम निकालते हैं, और यहाँ पे देखते हैं जो क्वालिटी वगैरह है, वो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका वायर का जो लेंथ है वो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वायर की कोई नीड नहीं है। बात करते हैं इस चार्जिंग केस की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 250 mAh की बैटरी मिलती है, और आप इसे 1 आवर तक चार्ज करोगे तो फुल चार्ज हो जाएगा। और जहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है, अगर वाइट इंडिकेशन होगा तो बैटरी आपकी फुल है। और यहाँ पे पीछे के साइड में आपको, मतलब नीचे के साइड में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जब हमने चार्जिंग को इसे लगाया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेड इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। और अगर हम बात करें इसके जो ईयरफोन है उसकी बैटरी की, तो वो 30 mAh की बैटरी है। यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, इसका मैं यूज़ बताऊँगा आपको कि क्या है। मैं इस ईयरफोन को केस से करता हूँ बाहर, और देखता हूँ कि कैसा इसका क्वालिटी वगैरह है। तो क्वालिटी वगैरह मुझे ठीक ठाक समझ में आ रहा है, बिल्कुल इसने जो है एप्पल को कॉपी करा है। अगर लेंथ की यहाँ बात करें तो 1.5 इंच का है, और पीछे के साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, पर जो है वो सेकेंडरी माइक्रोफोन है, नीचे प्राइमरी माइक्रोफोन यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे डबल माइक्रोफोन का ऑप्शन दिया है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन में काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं कॉलिंग के पर्पज़ के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो वेट की बात करें, तो यहाँ पे 50 ग्राम का वेट है, जो बहुत लाइट है, पता नहीं चलेगा आप अगर पान में इसे यूज़ करोगे तो लंबे समय तक। तो वापस से इसको केस में रखते हैं, और हम करेंगे अपने फ़ोन से इसको पेयर करने के लिए आपको केस में रखना ही रखना पड़ेगा, बिना केस के बाहर अगर आप रखते हैं तो पेयर नहीं होगा। केस में रखने के बाद आप यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन की है उस पर आप 2 सेकंड तक प्रेस करोगे, तो इंडिकेशन के साथ पेयरिंग के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, वाइट इंडिकेशन, न्यू पेयर पे क्लिक करेंगे अपने फ़ोन में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Mi True Wireless Earphones 2, इस पर हम टैप करेंगे।
तो फिर यहाँ पे पेयरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। कभी कभी पेयर नहीं होता है तो कोड मांगता है, तो कोड के केस में आप यहाँ पे 4x0 डालोगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे फाइनली पेयर हो गया है। अब हम जो है इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह को चेक करेंगे और देखेंगे कान में कितना कम्फर्ट है हमारे लिए। मैं सर को हिलाऊंगा और भी सारी एक्टिविटी करूंगा, देखेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो अभी जो है केस से हमने बाहर निकाल दिया, अब ये पेयर्ड हो चुका है। वापस से केस में रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं एक कोई सॉन्ग लगाता हूँ तड़कता भड़कता सा, तो मैं यहाँ लगा दिया गुरु रंधवा का सूरमा सूरमा, और फिर सुनते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो ये है और ये है दिस। देखने में कुछ कूल सा फील हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है। और म्यूजिक क्वालिटी वगैरह की बात करें तो मुझे बहुत सही लगा, मॉडरेट म्यूजिक है, बेस ट्रबल वकल सब कुछ एवरेज है। इस पर डबल टैप करेंगे तो आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक को ऑन कर सकते हैं, कॉलिंग के दौरान आप कट कर सकते हैं। और मैं सर को लाता हूँ तो देखता हूँ गिरता है कि नहीं गिरता है, बट कितनी तेज़ी से मैं सर हिला रहा हूँ फिर भी जो है कुछ नहीं हो रहा है उसका, मतलब इसकी जो ग्रिपिंग है वो ईयर में बहुत बेहतर है। आप कैसे भी इसे लेटोगे या फिर दौड़ोगे कूदोगे एक्सरसाइज करोगे उसके लिए बहुत ही सूटेबल है, मतलब गिरेगा नहीं। तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ बहुत बेहतर है। कॉलिंग चेक करते हैं, तो कॉलिंग के दौरान मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी व्यू से जो है वॉइस अच्छा आए, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लग रही है, कहीं से वॉइस मुझे अच्छा आ नहीं रहा है। तो नॉइस कैंसिलेशन और वॉइस का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बकवास लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। तो फिर क्या कर सकता है कोई फिलहाल। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब मैं बात करूंगा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेकर। इसमें आपको मिलता है 32 ओम्स का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है कि जिस भी ईयरफोन का इम्पीडेंस सबसे हाई होता है उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में बैटरी कम चलती है। अगर पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, इम्पीडेंस हाई होगा, तो उसका जो साउंड क्वालिटी होगी वो लाइक अ प्रो होगा, मतलब बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी होगा। लेकिन जितने भी ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, उसमें जो इम्पीडेंस होता है वो कम रखा जाता है ताकि बैटरी बहुत देर तक चल सके। तो जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतना ही अच्छा जो है हमारा ईयरफोन होगा। तो मैक्सिमम जो है वो 25 ओम की जो इम्पीडेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस ईयरफोन में हमें 32 ओम का इम्पीडेंस देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो इसमें आपको मेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक इसमें 22 के हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसमें है। और बाकी के इसमें अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप वगैरह को लेकर, तो 4 घंटे का बैकअप है, अगर एक बार आप चार्ज करते हो तो टोटल 14 घंटे तक ये चलने वाला है। ब्लूटूथ वर्जन इसमें मिलता है 5.0, मतलब 10 मीटर का रेंज आपको इसमें मिलेगा अगर कोई पार्टीशन नहीं है उस बीच में। तो फिर बात करते हैं इसके हम म्यूजिक को लेकर, म्यूजिक कैसा है। तो म्यूजिक मैंने सुना है, इसका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। जो भी साउंड क्वालिटी वगैरह है वो मॉडरेट है, मतलब मीडियम बेस है, मीडियम आपका वोकल है, ट्रबल है, सब कुछ मेंटेन्ड है। लेकिन जहां बात आती है कॉलिंग की, तो कॉलिंग सबको नीड होती है कि मतलब अब मैं वायरलेस नेकबैंड यहाँ पे ईयरफोन क्यों परचेस करूंगा, कि म्यूजिक सुनने के लिए मैं ये वायर्ड लूँगा या फिर और नेकबैंड लूँगा जो अच्छे अच्छे हैं। मैं इसलिए इसे लिया था ताकि जो है मैं कॉलिंग पे बात कर सकूँ, लेकिन वही हमेशा की तरह निराशा मुझे मिली कि इसमें जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बकवास है। मतलब इसके लिए मैं इसे 3rd grade दूंगा, मतलब इसे जो है आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं आता, ऐसा लगता है कि मतलब रेडियो पर बोल रहा हूँ। तो बहुत बेकार इसका है आपका कॉलिंग क्वालिटी, तो कॉलिंग सही नहीं है, एवरेज है। अगर जैसे आप बहुत अच्छा यूज़ किए हो पहले, उसके बाद से आप इसे यूज़ करोगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं सनाइजर यूज़ करता हूँ, उसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुझे सही नहीं लगा। गेमिंग को लेकर अगर मैं मानूँ तो लैगिंग वगैरह गेमिंग में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो है आप सिर्फ इसको म्यूजिक के पर्पज़ से ही परचेज कर सकते हो, आप इसे कॉलिंग के पर्पज़ से बिल्कुल ही मत परचेज करो। तो मेरे हिसाब से जो है 4000 के बजट के हिसाब से ये जो है आपका कॉलिंग के पर्पज से तो नहीं है, बाकी के आप देख लो कि आपको क्या नीड है और किस पर्पज से आप इसे परचेज करना चाहोगे। तो अगर म्यूजिक सुनना है तो फिर आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
अगर इसको परचेस करना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप इसके ऑफिशियल साइट से या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक, सब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।